हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमटीवी किचन। मेरा नाम है वंदना। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्राउन राइस पुलाव की रेसिपी, जिसके बेनिफिट्स तो आप सभी जानते होंगे। दिखने में जितना सुंदर लग रहा है, खाने में भी उतना ही मज़ेदार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्राउन राइस पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी ब्राउन राइस लिया था, जिसको मैंने वॉश करके पानी में सोक करके रखा है। लगभग 35 से 40 मिनट हो चुके हैं चावल को पानी में सोक करे हुए, ये देखिए। अब हम इसके पानी को ड्रेन कर लेते हैं और एक बार फिर से वॉश कर लेते हैं इसको। तो ये देखिए, चावल का सारा पानी मैंने ड्रेन कर लिया है और इसको वॉश कर लिया, और मैं आपको पास से दिखाती हूँ। चावल थोड़े से हमारे फूल चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसको साइड में रखते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ब्राउन राइस पुलाव बनाने के लिए गैस पे मैंने एक पैन रखा है और इसमें डाला है कुकिंग ऑयल 1 चम्मच। अगर आप डाइटिंग पर्पज़ से ये पुलाव बना रहे हैं तो ऑयल की मात्रा थोड़ी सी कम कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, तो जीरे को पहले फ्राई करेंगे हम थोड़ा सा, तभी इसका फ्लेवर आएगा हमारे पुलाव के अंदर। और साथ ही मैं इसमें थोड़ा से खड़े मसाले भी ऐड करने वाली हूँ एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंस के लिए। तो यहाँ पर मैंने ली है एक मोटी इलायची, साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ एक दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा, और एक तेज़पत्ता मैंने डाला है। इसको भी घी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, इससे हमारे पुलाव में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ ही इसमें हमने अनियन ऐड कर लिए हैं, जिसको मैंने बड़े बड़े चंक्स में कट करके रखा है। तो इसको भी हल्का सा सोटे कर लेंगे, हल्का गुलाबी होने तक हम प्याज को कुक कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से बादाम और काजू इस तरह से, इसको भी मिक्स कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बट इससे हमारा पुलाव बहुत ही रिच लुक भी देगा और टेस्ट भी इसका बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो मिक्स कर लिया मैंने इसको, 1 से 2 मिनट तक कुक कर लिया अच्छे से। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है और हल्का सा ग्रेट करा हुआ अदरक लिया है, और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ मटर के दाने, और मैंने यहाँ पर ली है शिमला मिर्च, जिसको मैंने बारीक कट करके रखा है। आप चाहें तो इसमें और भी वेजीज ऐड कर सकते हैं, जैसे गाजर हो गया, गोभी हो गया, आलू हो गया, बीन्स हो गया, या फिर कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। तो मिक्स कर लिया मैंने सभी वेजीज को। अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे, ज़्यादा मसाले पुलाव में नहीं डाले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, जो आप अपने स्वादानुसार डालिएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च, यहाँ पर मैंने टेकी मिर्च यूज़ की है, ताकि इसका थोड़ा कलर भी अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाला है धनिया पाउडर, मिक्स कर देते हैं इसको। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी की क्वांटिटी जो है वो आपने जितने आपने राइस ली है उससे डबल आपने क्वांटिटी लेनी है पानी की, अगर आप राइस को सोक करके रखते हैं, जैसे कि मैंने किया है। अगर आप राइस को सोक नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही बना रहे हैं, मतलब कि वॉश करके सीधे ही राइस बना रहे हैं, तो आप पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर लीजिएगा। मतलब अगर आप 1 कटोरी चावल ले रहे हैं तो आप 2.5 कटोरी पानी इसमें ऐड कीजिएगा, तो आपके चावल बहुत ही एकदम खिले खिले बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर लिया है, जितने मैंने राइस लिए थे उससे डबल पानी मैंने यहाँ पर लिया है। मिक्स कर देंगे इसको। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है इसको। अब हम इसको रख देंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक होने के लिए, जब तक कि इसका जो पानी है सारा एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, सूख नहीं जाता और राइस हमारे कुक नहीं हो जाते। इस बीच हम बिल्कुल भी स्पैचुला इसमें नहीं चलाएंगे, चम्मच नहीं लगाएंगे, ये एज इट इज़ ऐसे ही कुक होंगे चावल। तो ये देखिए, 10 मिनट के बाद मैं देख रही हूँ पानी इसमें काफ़ी सोख हो चुका है। ये देखिए, मैं इसको टर्न करके दिखा रही हूँ, थोड़ा सा पानी इसमें आपको दिख रहा होगा। तो 2 से 3 मिनट तक इसको भी हम और गैस पर रखते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। जब तक कि हमारा पानी थोड़ा सा और सोक हो जाएगा, पर हमने स्पैचुला इसमें नहीं चलाना, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट के बाद मैं आपको थोड़ा सा टर्न करके दिखाती हूँ पैन को। ये देखिए, अब इसमें पानी की क्वांटिटी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। तो गैस को मैंने अब बिल्कुल लो कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके गैस के नीचे एक तवा रखेंगे और इसके ऊपर एक पैन रख देंगे राइस वाला, और इसको कवर कर देंगे अच्छे से। और गैस की फ्लेम हमारी लो है और 10 मिनट तक हम इसको इसी तरह से कुक होने देंगे। स्पैचुला आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना, ये हम बिल्कुल लास्ट में लगाएंगे, तभी आपके राइस एकदम परफेक्ट बन के तैयार होंगे। तो 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, तब तक हम गैस को लो करके इसको कुक होने देते हैं।
तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, गैस को मैंने ऑफ कर दिया है, बट अभी हम पैन को नहीं खोलेंगे। लगभग 5 से 7 मिनट के बाद हम पैन को खोलेंगे। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने जब से राइस बना रही हूँ स्पैचुला बिल्कुल भी नहीं चलाया, एज इट इज़ हमारे राइस को खो रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपके राइस एकदम परफेक्ट बनेंगे, खिले खिले बनेंगे। अगर आप सिंपल भी कोई राइस बनाते हैं तो वो भी इसी तरह से बनाइएगा, आपके राइस एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं गैस को ऑफ करे हुए, अब हम खोल लेते हैं पैन को। ये देखिए राइस का कलर आप देख सकते हैं, टेक्सचर देख सकते हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं और एकदम से खिले खिले से लग रहे हैं। अब हम इसके अंदर स्पैचुला लगाते हैं। ये देखिए आप राइस का टेक्सचर देख सकते हैं, एकदम से खिले खिले राइस बने हमारे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा ब्राउन राइस का पुलाव बन के रेडी हुआ है, और मैं इसको प्रेस करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम अच्छे से कुक भी हो चुके हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो इसको सर्व कर लेते हैं फटाफट से। अगर आप प्लेन वाइट राइस बना रहे हैं या फिर सिंपल पुलाव बना रहे हैं तो उसको भी आप इसी मेथड से बनाइएगा, आपका राइस पुलाव बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगा। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जैसे हमारा ब्राउन राइस का पुलाव बन के तैयार हुआ है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग MTV किचन।